मैं यही आरती में गाता था जी, और जब यहाँ गाता था मुझसे पूछते थे लोग क्या गाते हो, फिल्मी गाते हो, मैं बोलता तो नहीं जी, गजल वगैरह गाते हो, नहीं जी, क्लासिकल गाते हो, नहीं जी, तो फिर क्या गाते हो, इनका यही तो मुझे नहीं पता मैं क्या गाता हूँ। तो बाद में जब हमारा गाना पसंद आने लगा आप सबको, तो आप ही लोगों ने उसका एक नाम दिया है निर्गुण सूफी, ये सूफी गायक हैं। तो बाद में मुझे खुद को पता लगा, अच्छा एम आई सूफी सिंगर, वाओ मैन आई नेवर न्यू दिस। तो हम जो भी गाते हैं वो हृदय है, हृदय गाते हैं हम, मन गाते हैं, और जिसमें आप समझिए जैसे अविरल और अनवरत हमारी माँ गंगा बह रही हैं पवित्रता को लिए हुए, बस वही जीवन है, मैं वही गाता हूँ, वैसे ही विचार आते हैं और वो अपने आप संगीत बन जाता है। तो मैं क्योंकि यहाँ पर मैंने सीखा नहीं है संगीत और मैं यहाँ गाता था, तो खुशी की बात यह है कि यहाँ की एनर्जी जो है, गुरु जी का जो प्रताप है, गुरु जी का ओरा है स्वामी जी का, उसने और यहाँ की जो रोज की संगत बैठती थी घाट पर, उन्होंने हमको न जाने कहाँ से एक बल दिया, और मैं फिर अचानक अपने मन को गाने लगा और वो आप सबको भाने लगा, बस ऐसे मेरा गाना तैयार हुआ है जी। अब आग लगी आकाश में तो झड़ झड़ गिरे अनार, आग लगी आकाश में तो झड़ झड़ गिरे अनार, और संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। ओम से कर लो प्रीति प्यार से, ओम इज द साउंड ऑफ साइलेंस, दुनिया में सबसे बड़ा साउंड साइलेंस है, मौन जो वार कर सकता है वो शब्द कभी कर नहीं सकते। ओम से कर लो प्रीति प्यार से, ओम ऐसा है बचा दे तीर और तलवार से, ओम जिसने रट लिया वो जब चला संसार से, तो मोक्ष द्वारा पा लिया छुटावा गमन की मार से। यदि आप मात्र ओम का ही उच्चार करें रोज जिंदगी में बिना बोले, आप संसार से इतनी बातें कर पाएंगे कि संसार पगला जाएगा और बोलेगा हे मेरे दाता आज ये बोला आज वो बोला, पगलाए रहेंगे लोग खुशी के मारे। ओम को साध लीजिए सब सध जाएगा। पांच बरस की मीराया लाडली हो, सखियों में खेलन जाए, सुन राणा बाई खेले तो पायर मीराया कांगना हो जी। पांच बरस की मीराया काले काले नाग पिटारे राणा घोल का, काले काले नाग